पत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अक्षस्व पर शुंगदेश कुलिशं पद्मं धनुः कुंडिकां दंडं शक्तिमसिं चरम जलजं घंटासुरा भाजनं शूलं पाशुदस्तने हस्ति प्रसन्नानां शैवै शैवमर्दिनी मे महालक्ष्मी सरोज स्थितां। ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः। महालक्ष्मी की जय हो। हे माँ महालक्ष्मी, आप समस्त दर्शकों को सद्बुद्धि दें और श्री लक्ष्मी के रूप में उनके घरों में निवास करें। ऋण रोग दरिद्रता से मुक्ति करें। सद्बुद्धि और सदाचार के लिए माँ उन्हें उनका मार्ग प्रशस्त करें और आपकी कृपा दृष्टि सदैव उन पर बनी रहे, हम पर बनी रहे, संस्थान पर बनी रहे और जगत का कल्याण हो। हे माँ, यही प्रार्थना स्वीकार करो। जय माँ विंध्यवासिनी। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दीपावली स्पेशल कालचक्र। शुभ दीपावली। दीपावली की पूजा से जुड़ी हर खास बात आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा में कौन सी 14 पूजा सामग्रियां चढ़ाने भर से आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। माँ लक्ष्मी के कौन से पाठ करने से कुबेर देवता की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। दीपावली पूजा में किन बातों का ध्यान रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थिर हो जाएंगी। दीपावली पर मां लक्ष्मी को कौन सा भोग लगाने से आपकी रूठी किस्मत भी मान जाएगी, ये सब कुछ आज आपको कालचक्र में बताने वाले हैं पंडित सुरेश पांडे जी। आज बहुत ही खास जानकारियां पंडित जी आपको देने वाले हैं, इसलिए अगले एक घंटे ध्यान से देखिए आज का दीपावली स्पेशल कालचक्र। आज हमने पूरी तैयारी कर रखी है। आज आपको जो गृहस्थ लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा नियम नहीं पता, विधि नहीं पता, आज बहुत आसान तरीके से आपको पंडित जी समझाने वाले हैं कैसे माँ की कृपा आज इस दीपावली के खास मौके पर किस विधि विधान से आप प्राप्त कर सकते हैं, वो कौन सा तरीका है। बहुत आसान तरीका पंडित जी आज आपको बताएंगे, जैसा कि तैयारी है आप देख सकते हैं। लेकिन पंडित जी, उसके पहले एक कंफ्यूजन है जो उस पर मैं बात करना चाहती हूँ, असमंजस है लोगों के मन में, वो ये है कि दीपावली पड़ कब रही है, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवम्बर को, सही तिथि कौन सी है। देखो, दिवाली इस बार 31 अक्टूबर को ही मनाई जानी चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि इसका तथ्य समझो कि दीपावली हमेशा कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि में ही मनाई जाती है। रात्रि में अमावस्या होनी चाहिए, तभी ये अमावस्या 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू हो रही है। अच्छा। और पूरे रात अमावस्या रहेगी और दूसरे दिन 6:16 तक शाम अमावस्या रहेगी। अच्छा। ऐसे में अमावस्या तिथि 6:16 पर ही 1 तारीख को खत्म हो जाएगी, तो न तो प्रदोष काल में अमावस्या रहेगी, न स्थिर लग्न में अमावस्या रहेगी, न निशीथ काल में अमावस्या रहेगी। तो अमावस्या की पूजा, दीपावली पूजन जो है वो 31 अक्टूबर को ही रात को मनाया जाएगा। ये एकदम सार्वभौम मत मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अमावस्या तिथि और दीपावली को उदया तिथि से नहीं जोड़ते हैं। बाकी तिथियों की तरह जैसे एकादशी में उदया तिथि ग्रहण की जाती है व्रत के लिए, पूर्णिमा में व्रत करने के लिए उदया तिथि ग्रहण की जाती है, लेकिन दीपावली का मतलब कि अमावस्या की रात जी। निर्णय सिंधु में भी देखें तो कहीं से भी उदया तिथि दिवाली में ग्रहण करने का विधान नहीं बताया गया है। इसलिए दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। ठीक है। अब इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है, क्योंकि पूजन का शुभ मुहूर्त आप जरूर जानना चाहते होंगे, तो पंडित जी पूजन का शुभ मुहूर्त वो क्या है वो भी बता दीजिए। सबसे उत्तम समय कौन सा है गृहस्थ लोगों के लिए और बाकी भी जो होनी चाहिए पूजा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कल आपको किस मुहूर्त में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अपने घर में करनी चाहिए। अगर आप व्यवसायी हैं तो किस समय आपको अपनी दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस में जाकर पूजा करनी चाहिए, तो कल 31 अक्टूबर को प्रदोष काल में दीपावली पूजन करना बहुत शुभकारी होगा। अब प्रदोष काल क्या होता है, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद, माने 90 मिनट का प्रदोष काल होता है। ठीक है, तो कल 31 अक्टूबर को सूर्यास्त शाम 5:36 पर हो जाएगा। ऐसे में प्रदोष काल कल शाम
4:51 से लेकर के कल शाम 6:21 तक है। तो अगर आपको अपने व्यवसायिक स्थल पर ये पूजा करनी है तो प्रदोष काल में कर लीजिए। अच्छा, स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी के पूजा का शास्त्र सम्मत विधान माना जाता है, और स्थिर लग्न जो है वो वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न एक स्थिर लग्न है, तो वृषभ लग्न कल शाम 6:23 से शुरू होगी और रात 8:19 तक रहेगी। इसमें आप विधिवत दीपावली का महालक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन, कुबेर पूजन, नवग्रह देवताओं का पूजन आयोजित कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो लोग बड़े व्यवसायी हैं, जिन लोगों का बड़ा व्यवसाय है, और सिंह लग्न में जो लोग पूजा करते हैं, सिंह लग्न भी एक स्थिर लग्न है, ये बात समझ लीजिए, उन लोगों को रात 12:56 से मध्य रात्रि 3:10 तक महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जो लोग पूजा स्थिर लग्न में अर्थात वृषभ लग्न में सूर्यास्त के समय कर लेंगे, वो लोग भी अगर चाहें तो सिंह लग्न में निशीत काल में आप महालक्ष्मी के किसी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। महालक्ष्मी का कोई मंत्र यदि इन 2 घंटों तक आपके द्वारा जप किया जाएगा तो वो मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि दीपावली की रात्रि और ग्रहण के समय जो भी मंत्र किया जाता है वो सिद्धि को प्राप्त होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपको कोई महालक्ष्मी का सटीक और चमत्कारिक मंत्र नहीं मालूम है तो आज एक मंत्र मैं बताता हूँ, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। ये मंत्र श्रीमद देवी भागवत महापुराण का है। इंद्र से लक्ष्मी रूठ करके चली गई थी, इंद्र कंगाल हो गया था, तो उसने ब्रह्मा के पास जाकर लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जब बात पूछी तो ब्रह्मदेव ने एक मंत्र दिया इंद्रदेव को, और वही मंत्र मैं आपको बताता हूं जिसका 1,000,000 पुरस्चरण करने के बाद इंद्रदेव पुनः लक्ष्मी से युक्त हुआ था और उसकी दरिद्रता गई थी। ये श्रीमद देवी भागवत महापुराण का मंत्र है। जो लोग इस कलिकाल में भी इस मंत्र का 1,000,000 जप कर लेते हैं उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। मंत्र क्या है भाई? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। एक बार और, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। इस मंत्र को कमलगट्टा के माला पर या रुद्राक्ष की माला पर यदि आप दिवाली की रात कर लेते हैं तो आप विश्वास मानिए ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद नित्य प्रातः सायं इस मंत्र का यदि आप जप करते रहेंगे, 5-5 माला जप करते रहेंगे या 10 माला जप करते रहेंगे, तो 3 साल के बाद एक ऐसा दिन आएगा जब तक आपकी आखिरी सांस चलेगी तब तक आपके घर में लक्ष्मी का कभी अभाव नहीं होगा। ये एकदम आजमाई हुई बात बता रहा हूँ, इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस दिवाली पर चौघड़िया मुहूर्त भी है, उसका भी अपना महत्व है। तो मैं अब आपको बताता हूँ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। ये चौघड़िया मुहूर्त होता क्या है? 31 अक्टूबर को चौघड़िया मुहूर्त में भी कार्यस्थल, दुकान या घर में माँ लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है। इसमें लाभ चौघड़िया कल दोपहर 12:04 से कल दोपहर 1:27 तक है, और अमृत चौघड़िया कल शाम 5:36 से कल रात 7:14 तक है, और चर चौघड़िया कल रात 7:14 से रात 8:51 तक है। इसमें भी आप लक्ष्मी गणेश की पूजा कर सकते हैं, आपकी मनोकामना इस समय में की गई पूजा से भी पूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आ जाते हैं सबसे अहम बात पर जिसका आपको भी इंतजार होगा, कैसे करें माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न। तो पंडित जी, कौन सी सामग्री है जो चढ़ाना एक तरीके से अनिवार्य होता है माँ की पूजा में, और अगर आप अर्पित करते हैं तो माँ तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं? कौन सी सामग्रियाँ सबसे अहम एक एक करके, और उनका महत्व क्या है, और अगर ये सामग्रियाँ चढ़ाई जाती हैं तो फिर क्या परिवार पर क्या असर पड़ता है, उन्नति पर किस प्रकार का असर पड़ता है, तमाम चीज़ों पर आदमी का जीवन कैसे आगे बढ़ता है इनके माध्यम से? देखो, ऐसा है, महालक्ष्मी के उपासना में ये देख रहे हैं आपको हमारे हाथ में साबुत धनिया दिखाई दे रही है,
महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है साबुत धनिया। अगर आप साबुत धनिया महालक्ष्मी को समर्पित करें एक सुंदर सी कटोरी में रख करके, तो इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। और दूसरी बात हम आपको बताएं कि धान की कील, ये देखिए धान जो होता है उसको आग में डाल करके जब भूना जाता है तो धान की कील धान से चिपकी रहती है, इसको कहते हैं धान की कील। आप शादी विवाह में भी देखे होंगे जहां मतलब कि लड़की का भाई लड़की के और लड़के के सामने लावा डालता है, वहां ये धान की कील ही होती है। चाहे जितना करोड़पति अरबपति आदमी हो, मखाने का लावा नहीं डलवाएगा, धान की कील ही डलवाएगा। इसका कारण जानते हैं क्या होता है? लड़की का भाई लड़के से कहता है बर से कि जैसे ये धान आग में भी गया तो इसकी भूसी ने इसका साथ नहीं छोड़ा, उसी तरह से तुम अग्नि जैसे संकट में भी यदि जाओगे तो ये मेरी बहन तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। इसीलिए धान की कील महालक्ष्मी को जरूर चढ़ाई जाती है। ये देख लीजिए मेरे हाथ में है धान की कील, आपके पूजा स्थान में होनी चाहिए। अब रही बात, आज तो संपन्नता सबके घरों में है और लगभग लगभग लोग सब कुछ करने लायक है, बहुत कम घर होंगे जहां अभाव होगा। ऐसे में पहले हमारे देश में सारी मिठाइयां नहीं बनती थी, तो उस समय से ही बतासे का प्रचलन है। ये बतासा चीनी को उबाल करके और छोटा छोटा कपड़े पर गिरा करके और फिर बतासा बनाया जाता है, और ये बड़ा शुद्ध होता है, सिर्फ इसमें चीनी होती है, कोई मिलावट नहीं होती है, और ये बड़ा हल्का भी होता है। तो एक तो ये सुगम है और दूसरे मतलब कि हर जगह प्राप्त है, माता को प्रिय है, इसलिए ये चढ़ाया जाता है। कुछ लोग चीनी के बने हुए खिलौने भी माता के सामने प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, ये सब करने के बाद, इतना भोग प्रसाद करने के बाद, आप देख सकते हैं कि हमने मतलब कि कटोरी में गणेश जी का प्रिय, सबसे प्रिय लड्डू भी रखा हुआ है। गणेश जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे और माँ महालक्ष्मी को बढ़िया बर्फी का भोग लगाएंगे, ठीक है? और इसी तरह से जो और भी देवता होंगे उनकी पूजा कर लेंगे। अब इसके बाद एक पान के पत्ते पर आप देख सकते हैं, ये पान का पत्ता है। पान का पत्ता जो है ये महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो पान का पत्ता, इसमें आपको करना क्या है कि इस पान के पत्ते को ऐसे मोड़ करके बीड़ा बनाना है। देख रहे हैं ना, बीड़ा बन गया ना। अब ये देखिए मेरे पास लौंग है, ये लौंग आप देख रहे हैं ना, हाँ, ये लौंग जो है इसको इसकी कली चुभो करके पान के पत्ते में इसकी कली हम ऐसे चुभो देंगे तो ये पान का बीड़ा जो है ऐसे बना हुआ रहेगा। अब इसको हम एक प्लेट में रख करके महालक्ष्मी के सामने और गणेश के सामने रखेंगे। तांबूलम मुख समर्पयामी, मतलब पान चढ़ाएंगे हम महालक्ष्मी को। तो पान का पत्ता कम से कम पूजा स्थान में 5-7-8 पत्ता होना चाहिए। अच्छा, इतना कर लेने के बाद थोड़ा सा जल रखेंगे माता को, और इसके बाद में लौंग इलायची चढ़ाने के बाद में तब आप क्या करेंगे कि आप कमल गट्टे की माला, ये देखिए महालक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं इस पर। मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ कि हर घर में, हर सनातनी के घर में 3 कमल गट्टे की माला होनी चाहिए। पूछे कहाँ कहाँ रहेगी? एक माला तो अपनी पूजा घर में एक कील लगाकर पूरब दिशा में टांग दीजिए, जो आपके घर में वैभव हर समय बनाए रखेगी। दूसरी माला कहाँ होनी चाहिए? दूसरी माला होनी चाहिए, इस माला को ऐसे फोल्ड करिए, इस माला को जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ ऐसे फोल्ड करिए। अब ये फोल्ड करके देखिए बन गया ना। अब चौकी पर इसको ऐसे रख दीजिए। अब इसके ऊपर, कमल गट्टे के ऊपर आप श्री यंत्र या महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए, फिर इसका चमत्कार आप देख लीजिए। अगर आपके पास कमल गट्टे की, ये कमल का बीज ही कमल गट्टा होता है, इससे महालक्ष्मी का अर्चन भी होता है। और तीसरा कमल गट्टे का माला कहाँ होगा? आपके जपमाली में, जिस माला पर आप जप करेंगे महालक्ष्मी के मंत्रों का। तो 3 कमल गट्टे की माला अगर आप दिवाली पर लाते हैं तो निश्चित रूप से आप
एक बहुत बड़ा काम करने में सिर्फ दीपावली पर पंडित जी कमलगट्टे की माला का इस्तेमाल हो, हर समय होता है बेटा, लेकिन दीपावली पर जो किया गया इस्तेमाल है ये पूरे साल आपको इस्तेमाल करने की इजाजत देता है जब तक ये माला खराब न हो जाए। मतलब जो जाप रेगुलर भी किया जाता है किसी भी दिन साल के, हाँ, लक्ष्मी के मंत्रों का अच्छा, जब कमलगट्टा के माला पर ही किया जाता है, बाकी सारे जब रुद्राक्ष की माला पर किए जा सकते हैं, भगवान श्रीहरि के मंत्रों का जब तुलसी की माला पर किया जाता है, लेकिन माँ महालक्ष्मी और देवियों के मंत्रों का जब कमलगट्टे की माला पर होता है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि आसन के लिए आप कमलगट्टे का प्रयोग कर सकते हैं, श्रीयंत्र रखने के लिए, महालक्ष्मी को स्थापित करने के लिए, लेकिन अब मैं इसको रखता हूँ, अगर भगवान की कृपा से आपको कमल का फूल मिल गया है तो देखो इसकी पंखुड़ियों को ऐसे खोलिए, ठीक है, और खूब बढ़िया से श्रीयंत्र का जब आपने पूजा कर लिया या महालक्ष्मी की प्रतिमा का पूजा कर लिया और धातु की महालक्ष्मी है, तो एक कटोरी में या सिंहासन पर इस कमल के फूल की डंडी काट करके इसको रख दीजिए और इसी के ऊपर आप श्रीयंत्र या महालक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान कर दीजिए। फिर देखिए ना जीवन कैसे आनंदित हो जाता है, फिर देखिए आपके मन में कैसे आह्लाद होता है। और अगर आपके पास दो कमल के फूल हैं तो भगवान गणेश को भी कमल के फूल पर विराजमान कराइए, क्योंकि गणेश जी का जब ध्यान किया जाता है तो ध्यान चतुर्दल पीले कमल के फूल पर, गणेश जी का पीतांबर में ध्यान किया जाता है, ये त्रिपुर सुंदरी की साधना में भी बताया गया है। अच्छा, ये तो आपने देख लिया कि कमल के फूल को भी हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद गाय के गोबर की भी आवश्यकता होती है। गाय के गोबर की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि महालक्ष्मी के मानस पुत्र हैं गणेश, लेकिन गणेश गौरी की स्थापना हर पूजा में होती है। गणेश माने गणेश आप जान ही रहे, गौरी माने माँ पार्वती, और उनकी स्थापना गाय के गोबर से ही होती है। गाय के गोबर को एक गौरी का रूप बना करके और भगवान गणेश के बाईं तरफ उनको रखा जाता है, पूजा करने वाले के दाहिनी तरफ एक सुपारी पर गणेश जी की स्थापना की जाती है और बाईं तरफ गौरी की स्थापना की जाती है। और खूब स्वादिष्ट चावल की खीर बनाइए और उसको कटोरी में भर करके, दो कटोरी में, एक गणेश जी के लिए, एक लक्ष्मी जी के लिए, अगर सामर्थ है तो चांदी की कटोरी में, सामर्थ है तो चांदी का चम्मच डाल करके आप ओम नाभ्यासी अंतरिक्ष वंशिषण उद्योग समवर्तता प्रभ्याम भूमिर्दिशा स्रोता लोका अकल्पयन नैवेद्यम निवेदयामी, ऐसे आप समर्पित करिए। और चावल की खीर कलश, अच्छा, अब चावल की खीर का जब आप प्रयोग कर लें तो इसके पहले ही आपको चाहिए कि पंच पल्लव बने, पांच प्रकार का पल्लव, जिसमें आम, अशोक, बट, पाकर, गूलर, ये पांच प्रकार के पेड़ों की पत्तियां पंच पल्लव कही जाती हैं। लेकिन मान लीजिए आपको ये पांच चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो केवल आम का पल्लव मिल जाए या अशोक का पल्लव मिल जाए तो उसका आपको अपने घर के दरवाजे पर तोरण बनाना चाहिए और कलश में भी वो आपको स्थापित करना चाहिए। ये इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं लेकिन ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं, बहुत से अचूक उपाय पंडित जी आपको बताने वाले हैं। ब्रेक के बाद भी आप देखते रहिए दीपावली स्पेशल कालचक्र।